गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, प्रीवियस डे वी एक्सप्लेन्ड टू रूल्स साइड 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 एंड आरएचएस। बाय द हेल्प ऑफ दीज टू रूल्स वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.3। बेटा we can confirm about congruency of two triangle and we completed side angle side angle side angle and angle angle side. So today we discuss in exercise 7.3 and in 7.3 we explain we confirm only two theorems, that is a first side angle side 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 and second beta RHS. ठीक है, दो क्राइटेरिया की हेल्प से हम ये कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए जरा हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज में 7.3 में और कंप्लीट करते हैं। समझे, एन एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट क्या एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलिस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टेक्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी देन कराए प्रूव दैट फोर पार्ट आपको प्रूव करवा एक ये डायग्राम है समझ लो ये है एबीसी ये पॉइंट बी है ये पॉइंट बी है आप पहले नोटिस करें केवल क्या क्या है ABC एंड DBC दो आइसोसेलिस ट्रायंगल हैं तो AB इक्वल टू AC है और DB इक्वल टू CB है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू क्या हुआ ट्रायंगल ACD। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या है एसीपी। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं एपी बाइसेक्ट एंगल ए as well as angle D। fourth point पे बात करेंगे। fourth अगर AP perpendicular bisector, यानी कि AP perpendicular bisector orbital BC, ठीक है, ये है। गेवन टू प्रूफ राइट किया, अब हम बेटा इस पे कंटिन्यू प्रूवमेंट पे तरफ बढ़ते हैं। समझ लो प्रूवमेंट पे बात करेंगे तो समझे जरा प्रूवमेंट में क्या है ध्यान दें इससे बेटा पहले एबीडी और इस पे बात करेंगे तो देखिए जरा क्या क्या यूज करना है पहले ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ABD
और दूसरा कौन सा इन ट्रायंगल बेटा एसी। पहला चीज एबी इक्वल टू बेटा एसी है, ये बेटा रीजन भी देना जरूरी है गिवन। बीडी इक्वल टू सीडी है, ये भी गिवन है। एडी इक्वल टू एडी, ये क्या है कॉमन। तो ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया एसीडी बाय विच रूल, बाय बेटा साइड 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 से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि बी एडी इक्वल टू क्या हो गया सी एडी, बी एडी इक्वल टू क्या हो गया सी एडी बाय सीबीसी। ठीक है फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट पे बात करिए। फर्स्ट पार्ट सेकंड क्या है, ट्रायंगल एबीपी ले लिया और दूसरा कौन सा लिया बेटा एसीपी, इन दोनों को ले लिया बेटा। समझे जरा इन दोनों में, सबसे पहले चीज समझे, एक चीज और इसमें बोला है बेटा, हमने किसको ले लिया, ये दोनों इक्वल प्रूव कर लिए हैं। तो सीबीपी फर्स्ट, अब इसमें एबीपी और एसीपी, इसमें सबसे पहले चीज समझे एबी इक्वल टू एसी, इट इज बेटा क्या है गिवन एंगल। बीएपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सीएपी, कहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट। तीसरा टर्म AP इक्वल टू AP, दोनों में क्या हो गया बेटा कॉमन हो गया, इसका मतलब लिख सकते हैं ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू क्या हो गया बेटा ACP, ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रेंट बाय विच रूल साइड एंगल साइड्स, ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT BP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं CP, यानी कि बाय क्या हो गया CP। Let's clear, complete। अब हमें देखो ये दोनों इक्वल हो गए, अब यहां से लिख के बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट का प्रूवमेंट हम कैसे करेंगे, समझे जरा बेटा। इसके थर्ड पार्ट पे जब हम बात करेंगे तो ये दोबारा मैं रिहर्स कर रहा हूं, दो पार्ट प्रूफ हो गए। देखिए बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इसके थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो थर्ड पार्ट हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये बीएपी सीएपी तो एंगल ए को एपी बाइसेक्ट कर रहा है, दूसरा ट्राइंगल यार कौन सा इन ट्राइंगल बीपीडी और कौन सा लिया एंड ट्राइंगल बेटा सीपीडी। तो देखिए पहला क्या है BD इक्वल टू CD, इट इज गिवन। दूसरा BP इक्वल टू CP, अभी प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तीसरा हो गया DP इक्वल टू क्या हो गया BP बटन बिकॉज इट इज कॉमन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ BDP BP B लिया था और सी, तो इसका मतलब ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रेंट टू क्या है CPD बाय साइड साइड, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे इक्वल, तो ये क्या आ गया BDP इक्वल टू क्या हो गया CD इक्वेशन नंबर 4। तो राइट किया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड AP bisect angle A as well as angle B। ठीक है दूसरा अब देखो एक्सेल में दोनों इक्वल हो गए, दूसरा ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल BPC इक्वल टू क्या होगा CPD,
by which rule? CBC. Now it is such that BPC is a straight line. अगर बेटा स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा, यानी कि BPD प्लस CPD इक्वल टू क्या होगा 180. तो अब ये दोनों बेटा इक्वल है तो BPD BPD बेटा BPD तो BPD प्लस एंगल बेटा C प्लस इसके प्लस में भी लिख सकते हैं क्या BPD 180 दोनों का सम करेंगे तो 2 एंगल BPD बेटा 180 डिग्री तो एंगल BPD क्या हो जाएगा 180/2 यानी कि क्या हो गया बेटा ये दोनों 90 भी हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि TP परपेंडिकुलर क्या है बेटा BC तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर पहले ही प्रूव कर चुके हैं. ये फोर्थ पार्ट चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए. ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं. बड़ा सेकंड क्या है चार पार्ट इस वजह से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया. सेकंड पे हम बात करते हैं. देखो सेकंड क्या है करा एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी. सेकंड क्वेश्चन ये डायग्राम दे रखा है एबीसी का. एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी एल्टीट्यूड 90 डिग्री के लिए बता रहा है. तो कह रहा है एडी बाइसेक्ट बीसी एडी बाइसेक्ट. तो समझ रहे हैं गिवन क्या है एबी इक्वल टू एसी और AD परपेंडिकुलर क्या है टू प्रूफ. हमें क्या प्रूफ करना है ना हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC. AD बाइसेक्ट BC सेकंड पार्ट क्या है AD बाइसेक्ट प्रूवमेंट पे बात करते हैं. दो ट्राइंगल लिए इन ट्राइंगल एडी और इन ट्राइंगल क्या है बेटा एडी. देखो दोनों को हम प्रूव कर देते हैं तो पहली चीज समझे एडी इक्वल टू क्या है एसी है इट इज गिवन सर ए तो पहले एंगल एडीबी इक्वल टू एडीसी ईच एंगल 90 दूसरा क्या है ए बी इक्वल टू ए सी रीजन क्या है इट इज गिवन और तीसरा आप क्या लेंगे ए डी इक्वल टू क्या है ए डी ये क्या है बता कॉन्ग्रेट. सो ट्राइंगल ए डी कॉन्ग्रेट टू क्या है बेटा ए डी सी बाय विच रूल साइड साइड. अब ये दोनों बेटा कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपी सीपी बीडी बराबर क्या हो गया सीडी. बीडी बराबर क्या हो गया सीडी बाय सीपी. और दूसरा क्या लिख सकते हैं एंगल बीएडी इक्वल टू सीएडी बाय बेटा क्या है सीपी हैंस. एनी प्रॉब्लम. ठीक है इन दिस वे वी कैन कंप्लीट टू क्वेश्चन. अदर क्वेश्चन वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.